हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर कर रहे हैं एग्ज्यूमेशन की प्रोसीजर। हम कवर कर रहे हैं एग्ज्यूमेशन का प्रोसीजर। सो लास्ट वीडियो में हमने एग्ज्यूमेशन का इंट्रोडक्शन कवर किया था, एग्ज्यूमेशन का इंट्रो पोर्शन कवर किया था, ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अलावा और क्या कवर किया था हमने? ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कवर किया था प्रिकॉशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्रिकॉशन कवर किया था। एग्जुमेशन का मैंने मीनिंग क्या बताया था? एक्स मीनिंग आउट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जमीन या फिर अर्थ। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। सो ये मीनिंग होता है आपके एग्जुमेशन का। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव देखा था कि कैसे कैसे सिचुएशन में हम एग्जुमेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जुमेशन लीगल एक्टिविटी है। क्या है? एग्जुमेशन लीगल एक्टिविटी है, इट्स अ लीगल एक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि कैसे कैसे सिचुएशन में हम एग्जुमेशन करते हैं, क्योंकि किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में हम एग्जुमेशन परफॉर्म नहीं करते हैं एंड हमें परमिशन भी नहीं मिलती है एग्जुमेशन परफॉर्म करने की। स्पेशल केसेस में ही वापस से ऑलरेडी बरीड डेड बॉडी को हम रिकवर करते हैं टू एग्जामिन फॉर फर्दर एनालिसिस एंड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो वो ऑब्जेक्टिव भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज के लेक्चर में हमें प्रोसीजर देखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो एग्ज्यूमेशन में परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर रिमाइंडर, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो ये सारी चीज़ें आपको, क्वेश्चन क्वेरी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो प्लीज़ विजिट आवर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपने मिल जानी है एंड जो हमारा ऐप है। ओके, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ऐप? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड है, आपको सारे एग्जाम्स का, सारे एग्जाम्स की स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे एंड डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस, सोको के लिए अगर आपने प्रिपेयर करना है, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, तो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे एक्सक्लूसिव ऐप में। ठीक है, प्रोसीजर पे आते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर हमने शुरू करना है, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? First step is to identify the grave. We have to identify the grave and then it should be dug out really very carefully to avoid any damage to the coffin or uske contents. Dekho, hamesha aisa nahi hota Indian communities mein ki coffin use kari jaye. So, agar coffin hai ya coffin nahi bhi hai, to hume carefully dig out karna hai ya carefully dug karna hai taki koi bhi content aap damage na karo. Okay, note should be made about the condition. Hume note banana hai. डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट करना है सारा कुछ कि सॉइल की कंडीशन क्या है, वाटर कंटेंट कितना है उस सॉइल में और नेचर ऑफ वेजिटेशन क्या है उस एरिया में। सो ये सारा कुछ आपने क्या करना है, ये सारा कुछ आपने नोट करना है, ये सारा कुछ आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आफ्टर द डर्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अबव एंड अराउंड द क्रॉप्स, सॉरी कॉर्पस, सो दिस इज नथिंग बट द डेड बॉडी। ओके, दिस इज द डेड बॉडी ना बोल के वी कैन कॉल इट कॉर्पस। और जैसे ही हमने डर्ट हटा दिया और डेड बॉडी के आसपास का सारा डर्ट हटाया, इट नीड्स टू बी फोटोग्राफ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? फोटोग्राफ करना है। इन आवर डेज वीडियोग्राफ एज वेल। ओके, अ ड्रॉइंग ऑफ द ग्रेव एंड बॉडी और स्केलेटन शुड बी मेड नोटिंग ऑल द डिटेल्स। देखो, किसी भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कौन से फॉर्म में कर सकते हैं? नोट बनाते हैं जो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, फोटोग्राफ लेते हैं जो हम कर रहे हैं, फोटोग्राफ लेना है, फोटोग्राफ के अलावा वीडियोग्राफ भी। ठीक है, वीडियोग्राफ भी, फोटोग्राफ हो गई, वीडियोग्राफ हो गई, नोट हो गया एंड स्केच। स्केच तो स्केच भी बनाना है। स्केच में सारा कुछ हमने, सारे डिटेल्स,
हमने सारे डिटेल्स ऐड करने हैं। सो ये सारा काम करना, हमने डेड बॉडी का सारा डॉट उठा के फोटोग्राफ ले लेनी है। फोटोग्राफ के अलावा हमें ड्राइंग बनानी है, स्केच बनाना है, जिसमें अगर स्केलेटन है तो स्केलेटन, अगर डिसइंटीग्रेटेड अगर डेड बॉडी है तो वो हमें ड्रॉ करना है, और सारी की सारी डिटेल्स भी हमें उसमें इंक्लूड करनी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉफिन शुड बी कैरिड आउट बाय द फर्दर अंडर बाय बाय द अंडरटेकर। एनी फ्लूइड और डेब्रीज ऑफ द कॉफिन शुड बी कलेक्टेड। देखो, जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा है उसके टेक में आपने कॉफिन को आइडेंटिफाई करना है या फिर ग्रेव को आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी भी तरीके का कोई फ्लूइड वहाँ पे है कलेक्ट कर लेना है, कोई भी अदर एक्सटर्नल सब्सटेंस है कलेक्ट कर लेना है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट करनी ही है। अ पोर्शन ऑफ द कॉफिन एंड बरियल क्लोथ्स मस्ट बी रिमूव फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी कॉफिन या फिर जो क्लोथ्स है बरियल क्लोथ, वो हमें रिमूव कर लेना है फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, ओनली इफ नेसेसरी, ज़रूरत पड़ी तभी ही। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज कन्फर्म्ड बाय द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब हम कैसे कन्फर्म करेंगे, ठीक है, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन कैसे कन्फर्म करेंगे, कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स हमें कन्फर्म कराएंगे कि आइडेंटिफिकेशन कन्फर्म हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ओके, विच इज सुपरवाइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट और कोरोनर एंड असिस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, कौन सुपरवाइज करेगा, सुपरवाइज करेगा मजिस्ट्रेट और कोरोनर, क्योंकि कोरोनर इंक्वेस्ट का पार्ट है। हमने एक ऑलरेडी वीडियो में इंक्वेस्ट कवर किया हुआ है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं इंक्वेस्ट के ऊपर फिर से सेपरेट वीडियो बनाऊं कि व्हाट इज़ मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, व्हाट इज़ पुलिस इंक्वेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्वेस्ट। ठीक है, सो कोरोनर इंक्वेस्ट भी पहले के समय में होता था। तो हम बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट। कौन कौन सा इंक्वेस्ट है, हमारे पास मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, हमारे पास पुलिस इंक्वेस्ट है, हमारे पास कोरोनर इंक्वेस्ट था। बट नाउ डेज कोरोनर इंक्वेस्ट अभी परफॉर्म नहीं किया जाता। सो बेसिकली दो इंक्वेस्ट ही हैं, एक है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, दूसरा है पुलिस इंक्वेस्ट। सो ये दो इम्पोर्टेंट इंक्वेस्ट है हमारे प्रोसीजर में। सो यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्यों कर रहा है इंक्वेस्ट, या मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस क्यों है, क्योंकि एग्जीमेशन में मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही इंक्वेस्ट करी जाती है। इंक्वेस्ट इज नथिंग बट द, वेट अ मिनट गाइस, ओके, सो इंक्वेस्ट इज नथिंग बट द इन्वेस्टिगेशन। ये जो एग्जीमेशन का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसे ही हम कहते हैं इंक्वेस्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी सिचुएशन में या कौन कौन सी सूरतों में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देती हूँ कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कब कब हम करते हैं। सो इन केस ऑफ एग्जुमेशन, एग्जुमेशन के केस में, डाउरी डेथ के केस में, डेथ बाय डाउरी, और अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हुई है, तो इन सारी सिचुएशंस में हम मजिस्ट्रेट को बुलाते हैं, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। तो जब एग्जुमेशन हो रहा है तो कंफर्म करेंगे, आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, और असिस्ट करते हैं पुलिस को, असिस्ट करते हैं वो। कौन? रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। मजिस्ट्रेट असिस्ट नहीं कर रहा है, पुलिस असिस्ट करती है मजिस्ट्रेट को, और पुलिस को असिस्ट करते हैं रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ताकि आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट शुड नॉट बी स्प्रिंकल ऑन द बॉडी। किसी भी तरीके का डिसइंफेक्टेंट यूज नहीं करना है। इफ डीकम्पोजिशन इज नॉट एडवांस्ड, अ प्लांक और प्लास्टिक शीट शुड बी मेड टू स्प्रेड अंडर द बॉडी, एंड द बॉडी बी जेंटली शिफ्टेड टू दैट प्लांक एंड शीट एंड देन रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेव। अगर देखो, अगर डिकम्पोजिशन सेट नहीं हुई है या फिर डिकम्पोजिशन एडवांस लेवल की अभी तक नहीं हुई है, तो कोई भी प्लास्टिक शीट हम यूज़ कर सकते हैं उस डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, वो प्लास्टिक शीट और वो प्लांक हम बिछाएंगे, स्प्रेड करेंगे, एंड फिर जेंटली उस पार्शियली डिकम्पोज डेड बॉडी को हम रिमूव करके इसमें शिफ्ट कर लेंगे ग्रेव से। ठीक है,
इफ दिस स्केलेटनाइजेशन इज एडवांस्ड, मतलब डिकम्पोजिशन हो भी गया है, सिर्फ स्केलेटन स्केलेटन बचा है और ये बहुत ही एडवांस लेवल, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बचा है, देन इट मे बिकम नेसेसरी टू डिग आउट बिसाइड्स एंड बीनीथ द बॉडी एंड द स्केलेटन. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होने के बाद ही स्केलेटनाइजेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बचता है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर बॉडी का बचता नहीं है, ज़्यादा समय हो जाता है अगर, तब तब क्या हमें करना है, तब इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिग डाउन, ओके, डाउन बिसाइड एंड बीनीथ द बॉडी एंड द स्केलेटन. सो मतलब बॉडी के नीचे भी और आस पास भी आपने डिग करना है, इंक्लूडिंग सम सॉइल फ्रॉम बीनीथ एंड साइड्स, और स्केलेटन के नीचे का और साइड साइड का सॉइल भी हमें कलेक्ट करना है. ओके, स्केलेटन टू बी लिफ्टेड ऑन सम प्लैंक एंड शीट एंड ट्रांसपोर्ट टू द मॉर्चरी. सो इसके बाद हमें किसी प्लास्टिक शीट में या फिर किसी प्लैंक में हम शिफ्ट करेंगे उस स्केलेटन को, एंड देन फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे मॉर्चरी में. द सॉइल मस्ट बी केयरफुली स्क्रीन्ड फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लाइक टीथ, बुलेट्स, हाइओइड बोन, इंपॉर्टेंट बोन है, हाइओइड कार्टिलेज एक्सेट्रा. इफ नेसेसरी एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी विद सराउंडिंग्स शुड बी अंडरटेकन बिफोर ट्रांसपोर्टिंग द बॉडी एंड द मटेरियल सराउंडिंग इट. सो अगर ज़रूरत है तो एक्सरे भी किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, हमें केयरफुली सर्च करना है. अगर कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टीथ या बुलेट्स या फिर हाइओइड बोन या हाइओइड कार्टिलेज अगर आपको मिट्टी में इधर उधर मिल जाए तो हमें केयरफुली सर्च करना है. अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सरे एग्जामिनेशन भी हमें करना है आसपास की चीज़ों का और जो भी मटेरियल आपको रिकवर हुआ है उसका. इंजरीज अगर आप देख सकते हो शुड बी नोटेड केयरफुली. अगर देखो डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है तो ही इंजरीज दिखेंगी, अगर इंजरीज दिख रही हैं, विजिबल है, तो वो हमें नोट करनी है. सिंस सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में डिसअपियर और गेट डिस्टॉर्टेड डिसफिगर्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन, जो कि मैंने बोला अगर डिकम्पोजिशन हो गया है तो सॉफ्ट टिश्यू में जो भी इंजरी होगी वो दिखेगी नहीं. फ्रैक्चर शुड बी स्पेशली लुक्ड फॉर, तो हमें क्या करना है, बोन्स पे फोकस करना है अगर किसी भी तरीके का फ्रैक्चर उसमें मौजूद है. However, possibility of such fractures having been produced during the process of digging should be excluded. अगर आप dig कर रहे हो, अगर उसकी वजह से कोई fracture बन रहा है तो आपको वो exclude करते हुए चलना है, उसे include हमने नहीं करना है. इसीलिए ही first step में हमने बोला था कि carefully dig out करना है, ठीक है. In case of suspected poisoning, अगर हम suspect कर रहे हैं poisoning, विसरा अगर प्रेजेंट है, डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है और आइडेंटिफाइएबल है, तभी उसी सूरत में हम विसरा कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे फॉर केमिकल एनालिसिस. इफ विसरा इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, अगर विसरा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मासेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एरियाज ऑफ दीज ऑर्गन शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है. जो भी मास है, जो भी मिट्टी है, जो भी वेजिटेशन है इन सारी चीज़ों के आसपास का, वो हमें कलेक्ट कर लेना है. If viscera and masses are not present, then hair, nails, teeth, bone, skin should be preserved. अगर वो नहीं मिला, ठीक है, अगर उस हालत में नहीं है तो hair, nails, teeth, bones, ये सारी चीज़ें हमें collect कर लेनी है, ठीक है. In such a case of suspected poisoning, sample of earth, हमें earth का sample, मतलब soil sample लेना है, about 500 grams from above, below and side of the coffin या dead body के आसपास का सारा soil sample हमने around 500 grams collect कर लेना है. Control samples at some distance एक format. So हमें क्या करना है, let's say अगर ये कोई आपका ये dead body यहाँ पे है, तो यहाँ का सारा soil ले लेना है, यहाँ का सॉइल 500 का ग्राम्स हमें कलेक्ट कर लेना है, और सैम्पल के लिए कोई दूसरी जगह का सॉइल आपने कलेक्ट कर लेना है. इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सेपरेट क्लीन एंड ड्राई वाइट माउथ ग्लास बॉटल जार्स फॉर केमिकल एनालिसिस. सो आपको ऑफकोर्स सेपरेटली इन्हें कलेक्ट करना है एंड प्रिजर्व करना है इन केस ऑफ पॉइजनिंग, इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग. या आपको पता है कि ऑलरेडी जो भी आप वापस से एग्ज्यूम कर रहे हो डेड बॉडी को, तो उसका अगर केस पुराना केस पॉइजनिंग का है, तो हमें सॉइल सैंपल कलेक्ट करने ही करने हैं. सॉइल सैंपल का कंट्रोल सैंपल भी कलेक्ट करना है. सो ये हमें करना होता है. सो ये है ओवरऑल प्रोसीजर एक्ज्यूमेशन का.
ये ओवरऑल प्रोसीजर एग्ज्यूमेशन का. ओके, सो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं एग्ज्यूमेशन. मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सेकेंड ऑटोप्सी. ठीक है, सेकेंड ऑटोप्सी के बारे में पढ़ेंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड. Okay, thank you so much. Thank you so much for watching this video. Have a great, great day ahead. हमारे चैनल को आपने क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है. क्या कर देना है? शेयर कर देना है अपने सीनियर जूनियर्स के साथ. एंड हमें फॉलो कर लेना है सारे के सारे सोशल मीडियाज पे, ऐप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे. ठीक है, यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप सपोर्ट. ओके, so see you guys in the next video. Have a great day ahead. Bye.